दोस्तों भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिर इस समय सबसे ज्यादा याद आती हुई नजर आ रही है लक्ष्मी को इस समय ऋषि की। लेकिन दोस्तों आखिरकार इस समय विक्रांत के साथ तो है और विक्रांत इस समय बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, लेकिन वहीं पर ही अब बलविंदर आता हुआ नजर आने वाला है और कहानी का असली ट्विस्ट असली भाग अब स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बलविंदर खेल बिगाड़ता हुआ नजर आने वाला है विक्रांत का, क्योंकि जब जैसे ही विक्रांत को पता चलेगा उसके बाद में कहानी का असली चीज आती हुई नजर आ रही है। आयुष की बात की जाए तो आयुष सालू से बोलता हुआ नजर आएगा कि अब इसमें तुम कुछ मत करो, हम कुछ नहीं करते हैं, बल्कि विक्रांत और लक्ष्मी की कहानी अपने आप ही खत्म होती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो इस समय बलविंदर कर रहा है उससे कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है, क्योंकि उससे नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो वाकई में सॉलिड चीज है। क्योंकि स्टार्टिंग में लग रहा था कि इससे कुछ नुकसान होगा, लेकिन इससे किसी भी तरीका का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कहानी का असली भाग असली ट्विस्ट आप लोगों के बीच में दिलचस्प तरीके से देखने को मिल रहा है। और बात की जाए इस समय तो सभी लोगों को पता भी है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग और बहुत ही उबड़ा हुआ हो रहा है। क्योंकि इस समय ऋषि भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि ऋषि को पता है कि आखिरकार कब और क्या और कैसे हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय सोचता हुआ नज़र आ रहा है ऋषि की काश ये शादी होए नहीं, क्योंकि दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं सही रहेगा अगर ये शादी ही नहीं होगी तो। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बलविंदर को धोता हुआ नजर आने वाला है ऋषि। जी हाँ, ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा कि अगर लक्ष्मी के आसपास भी भटका तो मैं तेरा वो हसर करूंगा कि जो तूने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सपोर्ट।